तैयार रहना, एक गाड़ी निकली है अभी। जिगर, ये गन क्यों लाया तो अपने साथ? क्योंकि वक्त आ गया है फैसला करने का, या तो इस पार या उस पार। कैसा फैसला? तू पागल तो नहीं हो गया? पागल नहीं हो गया, समझदार हो गया। ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तू खून करेगा, सीआईडी को पता चल गया ना तो तुझे फांसी पे लटका देंगे। फांसी? ओह शिट, क्या क्या तूने? अगर वो आदमी मर जाता तो? मरा तो नहीं ना, भैंस वैस छोड़ो, चलो जल्दी चल के देखते हैं क्या हुआ। कैसी गाड़ी चला रहा है? अरे भाई साहब, भाई साहब आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना भाई साहब? ठीक तो है? हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। अरे क्या ठीक हो, मर जाता तो? देखिए आप ऐसे बात मत कीजिए, एक तो इतनी तेज गाड़ी चलाकर ला रहे हैं, ऊपर से आप मुझे धौंस दिखा रहे हैं। अरे संपत, ये क्या हुआ तुझे? मन देखना यार, एक तो मुझे टक्कर मार दी, ऊपर से गलती भी मेरी निकाल रहे। क्या रे, तुम दारू पी के गाड़ी चलाते हो? अबे दारू क्या, कौन दारू पी रहा है? एक सेकंड भाई साहब, तोड़ दूंगा मैं अभी। देखिए इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप लोग कहाँ तक जाना? आप लोग चले जाइए, हम लोग चले जाएंगे। अरे आइए ना, मेरे दोस्त ने भी सॉरी कह दिया, आप सब छोड़िए, आइए। चलिए अच्छा छोड़िए, खत्म हो गई ना बात। क्या आप भी छोटी सी बात को? आइए चलो चलो, आइए आइए बैठिए, आइए आराम से बैठिए। ये बैग में क्या? नहीं कुछ भी नहीं है बैग में। अच्छा कुछ नहीं तो इतना कस्की कहाँ पकड़ा है? और कस्की कहाँ पकड़ा हुआ है? नहीं तो है क्या इसके अंदर कोई बहुत भारी रकम है? नहीं नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। दिखा जरा, क्या है तेरे बैग में? नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। तू नहीं दिखाएगा? किसी आदमी का सर काट कर ले जा रहा है क्या? चुपचाप खोल। नहीं नहीं बैग नहीं खोलूंगा मैं। बोलता है कि नहीं? अरे अरे क्या कर रहा है, क्यों बेचारों की जान ले रहा है, क्यों रैकिंग ले रहा है उनकी? चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो तेरा खोपड़े खोल दूंगा अभी। चल गाड़ी चला, और तू कल खोल बैग दिखा। कैसे बैग नहीं खोलूंगा मैं? नहीं बैग नहीं, गाड़ी रख साइड में, गाड़ी लगा, इसको बताता हूँ मैं भी। चल खोल बैग अपना। बस बैग खोल लो, क्योंकि इसका दिमाग फिर गया ना तो सचमुच में गोली मार देगा। चल खोल। अरे खोलना। ये धुआं कैसे? ये क्या तूने? गलती से चल गई यार। ये लड़का कहाँ गया? देखिए हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने घामने चला गया होगा। नहीं सर, बात कुछ और है। उसे कई दिनों से धमकी भरे फोन आ रहे थे सर। धमकी वाले फोन? कौन कौन दे रहा था धमकी उसे? पता नहीं कौन था, पर कल रात हमने देखा जिगर बहुत गुस्से में था, अचानक घर से निकल गया और तो और अपने साथ गन भी ले गया। क्या
गन गन ले गया? गन कहां से आई उसके पास? सर वो गन मेरी है, लाइसेंस है मेरे पास सर उसका। देखिए लाइसेंस आपके नाम है, आपके बेटे के नाम नहीं। गन क्यों दे दी आपने बेटे को? आप तो जानते हैं ना आजकल के बच्चे कैसे हैं, माँ बाप की एक नहीं सुनते। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। फ्रेडी फोन लगा क्या? नहीं सर, जिगर और उसके दोस्तों के फोन अब भी बंद आ रहे सर। अच्छा ये बताइए कि जिगर काफी गुस्से में घर से बाहर निकला, कुछ बता के गया कहाँ जा रहा है? सर बस इतना ही कि थोड़ी देर में लौट आऊंगा, लेकिन तब तो 18 घंटे बीत चुके सर। सचिन जरा मोबाइल कंपनी वालों से पता करो जिगर का फोन कल रात कितने बजे बंद हुआ और कहाँ पे। सर ये जिगर अपनी कार से गया था ना? जी। कौन सी कार है? सर सफेद रंग की बेक्स्टर कार है। क्या नंबर क्या? VA40Z180। निकल जरा पता करो। जी सर। ट्रैफिक वालों से पता करो ये कार आखिरी बार कहाँ पे देखी उन लोगों ने। ठीक है, थैंक यू। सर जिगर और उसके दोस्तों का मोबाइल कल रात 12:15 से बंद आ रहा है सर। 12:15 से बंद है? ये पता चला कि कौन से इलाके में था फोन जब बंद हुआ? हाँ सर, सबवे 55। सर टोनकारा के टेरेस से 100 मीटर आगे। हाँ यहाँ से उन लोगों का फोन बंद हो गया था। यहाँ से तो हो सकता है यहीं पे एक्सीडेंट हुआ। काम करो आंखें फाड़ के जमीन का एक एक कोना सूंघो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर आंखें फाड़ के सूंघ कैसे सकते हैं? तो फिर नाक से देखो। खून तो नहीं है? ये देखो चेक करो। सर हाँ सर ये देखिए सर गोली, इस पे खून भी लगा हुआ है सर। ये गोली उसी गन से तो नहीं चली है जो जिगर के पास थी? सर ऐसा भी हो सकता है कि जिगर और उसके दोस्तों ने किसी का खून किया हो और भाग गया। सचिन ये भी हो सकता है कि जिगर ने दोस्तों का खून किया हो, राहुल और रोहित का, फिर यहाँ से भाग गया हो। और लाश? लाश को यहीं कहीं जंगल में फेंक दिया होगा आसपास। ढूंढो। ये खून ही है। खून ही है। सचिन सचिन जूता सो ये देखिए, ये जूता तो रोहित का ही है, जिगर के फ्रेंड का। हाँ मतलब इस जिगर ने रोहित का खून यहाँ पे किया और फिर यहाँ से भाग गया हो। सर हाँ भैया, हाईवे के दोनों तरफ जो टोल नाके हैं सर, मैंने वहाँ पे पूछताछ की है। जिगर की कार पीछे वाले टोल नाके से गुजरी थी लेकिन आगे वाले टोल नाके तक नहीं पहुंची। और आगे वाले टोल नाके से पहले बाई तरफ एक गाँव है, शायद ये जिगर वहीं पर छिपा होगा। सचिन डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो पूरे जंगल की छान मारे, वो लाश नहीं कहीं मिलनी चाहिए। सर भाई साहब सुनो, आप बता सकते हैं कल रात यहाँ से एक
बैक्स्टर गाड़ी गई थी क्या? ये बैक्स्टर क्या होता है सर? कोई नहीं, थैंक्स। क्या नहीं, सब कुछ ध्यान नहीं है। ठीक से याद करो, शायद रात 11:30-12 बजे देखी हो। नहीं मैडम, मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ। भाई साहब, रात को यहाँ इस गांव से एक कार गुजरी थी, कुछ मालूम है क्या आपको? कार? हाँ, सफेद रंग की बैक्स्टर कार। अरे इसी कार से तो मैं परेशान हो गया, हर दूसरे तीसरे दिन हमारी रातों की नींद खराब कर देती है। अच्छा, मतलब वो कार यहाँ से गुजरती है? कई बार। कहाँ जाती, कुछ पता? सम्राट के घर। और कहाँ? कहाँ रहता है ये सम्राट? यही पास में है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए प्लीज। ये सम्राट आदमी कैसा? एक नंबर का 420, गाँव में हर किसी से लड़ाई कर चुका है। किस बात पे? अरे किस बात पे, उधार पैसे लेता है फिर किसी को वापस नहीं करता, दारू पीता है, दारू पीने के बाद फिर गांव की औरतों को छोड़ता है, अब कुछ बचा क्या? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे साहब, 2 साल पहले वो गांव छोड़कर चला गया था शहर, उसके बाद फिर से वापस आ गया, और जब से वापस आया है ना, फिर से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है साहब। वो रहा घर उसका। ये जी, तो कोई कार है नहीं। सर एक काम करते हैं, हम लोग जाके देखते हैं। देखो ताला लगा हुआ। देखो कुछ मिलता है क्या? ये देखिए सर, मैट और कार के सीट कवर्स। खून से रंगे हुए हैं, काफी सारा खून है। मतलब लाश को गाड़ी से यहाँ लाया गया, गाड़ी के सीट कवर्स और मैटिंग्स को निकाल के यहाँ पे छुपा दिया ताकि किसी को शक ना हो। तो, कार कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है, एक काम करो, इस कमरे का एक एक कोना, एक एक दीवार छान लो, देखो कुछ और भी मिलता है क्या। सुनो, कल रात तुमने जो गाड़ी देखी थी उसमें कितने लोग बैठे थे? सर 2 लोग। 2 लोग बैठे थे, मतलब जिगर और सम्राट होगा। तो इसका मतलब है कि जिगर ने रोहित और राहुल दोनों का खून कर दिया। तुमने उन दोनों के चेहरे देखे? सर अंधेरे में चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो लाश को यहाँ पे क्यों लाएगा, उसे डर नहीं लगा होगा कि उसे कोई देख लेगा? अच्छा, मुझे लगता है कि वो लाश यहाँ पे लाए नहीं, लाश को उसने रास्ते में कहीं फेंक दिया और फिर गाड़ी की मैटिंग्स और सीट कवर्स निकाल के यहाँ अपने घर पे लाके छुपा दिया। सर अगर वो लाश को रास्ते में फेंकता तो अब तक तो हमें पता चल ही जाता। सर यहाँ आसपास कोई सुनसान जगह, वीरान सी जगह जहाँ पे लाश वगैरह फेंक सकते हैं? ऐसे तो कोई जगह नहीं, पर एक तालाब है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, हो सकता है शायद लाश वहाँ फेंकी हो। लाश को यहाँ पानी में फेंका है तो तालाब के बीच में तो नहीं फेंका होगा, यहीं कहीं किनारे पे फेंका होगा। लाश यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए किनारे पे। क्या हुआ, मिला क्या? सर इधर कुछ है। देखो क्या है, निकालो। किसी का मुर्दा पड़ा हुआ है। लाश है? निकालो से बाहर निकालो।
ये क्या सर? जिगर के दोस्त सिर्फ कल गायब हुए थे, इतनी जल्दी उनकी लाश कंकाल कैसे बन गई? वो नहीं है काजल, लाश को कंकाल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 2 महीने पहले की लाश है, ये लाश को पत्थर से बांध के पानी में फेंका गया ताकि लाश ऊपर ना आए। सर यहाँ और भी लाश है। और लाश है? कितनी लाश है? हाँ सर बहुत सारी लाश है। ओह नो सर, देखो सर, अगर लोग सुनेंगे कि इतने सारे खून हो गए हैं तो CID के नाम पे तो हाँ विवेक बहुत बदनामी होगी। चार चार लाशें हो गई सर। ये तो राहुल जिगर का दोस्त। रोहित है जिसका एक जूता हमें हाईवे पर मिला था, दूसरा जूता अभी भी इसके पैर में है सर। शायद गला घोट के मारा है सर। और लगता है बाकी लोगों को भी गला घोट कर ही मारा है। एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये काम को ध्यान से देखो, कोई निशान मिलता है क्या? गोली लगने का तो कोई भी निशान नहीं है। शायद लाश अभी भी पानी में। और है क्या पानी में? नहीं अभी तो कुछ नहीं है सर। देखो देखो जी। हाँ सर। हाँ सर और एक लाश। ओह नो, एक और लाश निकालो जल्दी। कौन? ये तो जिगर है। मतलब गोली जिगर को लगी थी। सर, इन लाश की पर्स, घड़ियां, अंगूठियां वगैरह वैसे की वैसे ही हैं। इसका मतलब ये खून लूटपाट के लिए नहीं किए गए। कोई दुश्मनी भी हो सकती है। लेकिन एक बात नोटिस की काजल? क्या सर? मोबाइल कितने? 3। और लाशें हमें मिली हैं 7। सर हो सकता है कि 4 लोगों के पास मोबाइल था ही नहीं। ये भी हो सकता है कि वो 4 मोबाइल खूनी अपने साथ ले गया हो। क्या डॉक्टर साहब इधर से उधर किए जा रहे हैं, कितनी देर लगाएंगे? बात मत करो मुझसे, बहुत बिजी हूं मैं। अच्छा बात नहीं करूंगा तो केस कैसे सॉल्व होगा? अरे एक तो 7 लाशें ला करके रख दिया था। अरे 7 मिली है तो 7 ही लेके आएंगे ना। और आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर तारिका है ना आपकी मदद के लिए। आप बस कोई गर्मा गर्म खबर दे दीजिए बस। काजल एक तो उन लाशों में से 2 लाशों के तो चेहरे एकदम बिगड़ रहे हैं। सर उनके स्कल के ऊपर आप नया चेहरा बना सकते हैं ना? हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। दरअसल वही काम चल रहा है, डॉक्टर तारिका आती होंगी अभी रिपोर्ट लेकर के। आ रही? आ रही। एक बात और, ये देखिए इन 2 लोगों को गला घोट के मारा गया है। ये देखो
इनके गले पर ये निशान। राहुल और रोहित का गला घोटा गया है और जिगर को गोली मारी गई। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब जिगर का खूनी कोई और ही हो सकता है अभिजीत, क्योंकि जो गोली आप लोगों को रास्ते में मिली उस पर जिगर का ही खून है। हाँ तारिका जी, वो लाशों के चेहरे बन गए जी। लो फ्रेडी सर भी आ गए, अब हमें पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है काजल, अपने दिमाग से कई केसेस सॉल्व किए मैंने। पर कई सारे केसेस तो डुबा भी दिए ना। ये खराब खराब बातें मत किया करो, रास्ते में विवेक मिला था क्या? फाइल लाओ। वाह वेरी गुड जॉब फ्रेडी। देखा सुना, एक झटके में पता चल गया कौन सी लाश के साथ बिकी है। केस खत्म। सिर्फ लाश की पहचान ही नहीं, काफी कुछ पता चला फ्रेडी। अब वो क्या सर? ये सभी लोग उसी सबवे से गायब हुए हैं जहां से ये जिगर और उसके दोस्त गायब हुए थे। तभी तो सर इन सबकी लाशें हमें उस तालाब से मिली। सिर्फ इतना ही नहीं काजल, ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सभी लोग बैक्स्टर कार से जा रहे थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ। बैक्स्टर कार से? इसका मतलब सर वो आदमी सबवे के आसपास बैठकर नजर रख रहा था, देख रहा था कि कौन सी बैक्स्टर कार आ रही है। हाँ, ये सबवे के आसपास एक ढाबा है ना, कहीं उस ढाबे में तो नहीं बैठता है। सर हमें लोगों को बता देना चाहिए कि वो बैक्स्टर कार से मत जाए। अरे नहीं फ्रेडी, इतना हल्ला मचाओगे तो खूनी भाग जाएगा। और तो फिर पकड़ेंगे कैसे उसे सर? पकड़ेंगे, वहां पे दो लोग और जाएंगे। बैक्स्टर कार से? हाँ। मर गया। बैक्स्टर कार से ही जाएंगे और वो लोग उसी ढाबे में जाके रुकेंगे चाय पीने के लिए। तुम भी कमाल की बात करते हो, ये हीरे हैं हीरे, कोई कांच के टुकड़े नहीं कि जिसने कोई भी भाव बोला उठा के दे दिए। हाँ लेकिन नया कस्टमर है, इस बार कम में दे देते हैं, अगली बार देख लेंगे। अरे भाई धंधा ऐसे नहीं होता है। खाने में क्या लाऊं साहब? खाना वाना रहने दो, दो चाय। और भाई सुनना, चाय अच्छी होनी चाहिए, कड़क और मलाई के साथ, ठीक है? दो कड़क चाय। तो यार जगह तो यही बताई थी, अब तक आए नहीं। हाँ उसने बोला था कि सबवे 55 के नुक्कड़ पे जो ढाबा है 10 बजे वहीं पे पहुंच जाएगा। हम लोग वहीं पे हैं। तो अब तो 10:30 बज गए, अब तक नहीं आए। फोन करके देखो कहाँ है। लेकिन उसका फोन हमेशा बंद आता है। फिर से ट्राई करना। देगा फोन बंद आ रहा है। एक काम कर, अभिजीत साहब को फोन लगा और पता कर क्यों नहीं आए। हाँ अभिजीत साहब, ढाबे पे हम लोग, आदमी नहीं आया, अब क्या करें? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या बोले साहब? साहब ने बोला है कि आगे अगर कोई ढाबा है तो वहां पे एक बार ट्राई कर ले। ठीक है। सर इस तरफ जा रहे हैं, आगे छोड़ देंगे सर। सर दरअसल ये मेरे बड़े भैया हैं, इनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, अगर आप लिफ्ट दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। वो 1 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वहीं से भागते भागते आ रहे हैं सर, प्लीज। ठीक है भेज जाइए।
सम्राट तो पुराना पापी है, गोटिया गैंग का राइट हैंड है। सर ये गोटिया गैंग 2 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में खत्म हो गई थी ना? हाँ, मगर ये भाग गया, हाथ नहीं लगा पुलिस के ये। और पुलिस से बचने के बाद उसने कार चुराने का नया धंधा शुरू कर दिया। लग तो ऐसा ही रहा है फ्रेडी, हर तरह का ताला तोड़ने में माहिर है ये, काफी तिजोरियों से पैसे लूटे हैं इसने। सर एक बार ये सम्राट हमारे हाथ लग जाए सर, अपने घर का भी ताला खोलना भूल जाएगा। पर सर ये सम्राट हमें मिलेगा? या तो उस ढाबे पे जहां सचिन विवेक गए, या फिर सोडाला में। सोडाला में? हाँ सोडाला। इस फाइल में लिखा है कि सम्राट को जुआ खेलने का बहुत शौक है, अक्सर जुआ खेलने जाता है सोडाला में। क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने किया क्या है? चार गोली लगी थी टांग पे, चार गोली। यस, डॉक्टर ने बोला टांग काटना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर को बोला कि भैया अगर तू मेरी टांग काटेगा तो मैं तेरी काट डालूंगा। तब जाके कहीं मेरा पैर बचा। और उसका? किसका? अरे डॉक्टर का। अरे वो भी दोनों टांग से चल रहा है अभी। अच्छा भाई तुम लोग हो किस गैंग से? प्रद्युमन गैंग। प्रद्युमन गैंग? ये नाम तो पहले कभी मैंने सुना नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अरे बड़ा खतरनाक आदमी है, हर गुंडा थर थर कांपता है। अच्छा अच्छा यार, एक काम था तेरे से। बोल ना। हमको एक ऐसा छोकरा चाहिए जो किसी भी तरह के ताले को खोल सके। पर वो ताला खोलना किधर है? बहुत बड़ी तिजोरी हाथ लगी है, खजाना है उसमें। हाँ? खजाना? मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन उसमें अपन को भी हिस्सा चाहिए। अच्छा दिया दिया दिया। अरे ये ताला खोलेगा कौन? अपन के पास एक छोकरा है, उसका नाम टिंकू है। दुनिया का किसी भी तरह का ताला ले आओ, यूं खोल देता है। टिंकू इनको नहीं चलेगा, अपने को वो छोकरा चाहिए। वो क्या नाम है उसका? सम्राट। सम्राट? सम्राट को तुम कैसे जानते हो? अरे मत छोड़ दे, ये बता कि सम्राट मिलेगा कहाँ? कौन हो तुम लोग? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, समझा? तो
लोग? बोला ना, प्रद्युमन गैंग, सीआईडी। सीआईडी? सब, सम्राट मर गया सब, उसके मरे हुए एक साल हो गया सब। झूठ बोल रहा है? अभी उड़ा दूंगा, बोल कहाँ सम्राट? बंद कर दो। ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? सचिन और विवेक किसी खतरे में तो नहीं है? मेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने मुझे इन लोगों को मारने से रोका क्यों? ये लोग सीआईडी वाले हैं और इनके बाकी लोगों को पता चल गया ना तो हमें पताल से भी ढूंढकर उल्टा लटका देंगे। तो तू क्या समझता है कि इन लोगों को जिंदा छोड़ देंगे तो हम बच जाएंगे? रब रब, प्लान चौपट हो गया है। तो फिक्र मत कर, हम जल्दी से गाड़ी लोड करते हैं और निकलते हैं यहां से। अब सोच क्या रहा है, चल निकल। सर, विवेक की याद आ रही है सर, याद भी आ रही है और रोना भी। उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है सर, पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं। सचिन भी गायब है फ्रेडी, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें? नहीं नहीं, सचिन की भी चिंता है सर। सीआईडी ऑफिसर से दोनों ट्रेंड है, हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। सर, एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है सर, अगर सम्राट मर चुका है तो ये सब कर कौन रहा है? वो भी पता चल जाएगा फ्रेडी। मगर कैसे सर, हमारे पास तो कोई सुराग भी नहीं है। सुराग है, सुराग है फ्रेडी, सुराग है। कौन सा सुराग? उन 7 लाशों में 4 लाशों के पास मोबाइल नहीं थे। हमने उनके घर वालों से उन मोबाइल नंबर्स के मॉडल नंबर पता कर लिए हैं। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा उससे। उन मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है सर। यार फ्रेडी, हर बात में मत रोया करो। सर, उन मोबाइल्स में से एक मोबाइल का IMI नंबर मिल गया। वेरी गुड, क्या पता चला, कहाँ पे है वो मोबाइल? विद्युत नगर के किसी घर में है सर। विद्युत नगर, दरवाजा तोड़ दो। तुम दरवाजा तोड़ोगी? हाँ सर, मैंने दरवाजा तोड़ने की ट्रेनिंग ली है। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ? सर, ये दरवाजा मैं तोड़ूंगा। अरे नहीं यार, बार बार तुमको हॉस्पिटल कॉल लेके जाएगा। पीछे हटो, तुम तोड़ो। CID से हैं। वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। कौन कौन मारना चाहता तुमको है? मुझे मार डालेगा। उमा, कौन है उमा? मेरा वो बॉयफ्रेंड, हम दोनों एकदम से प्यार करते हैं। सर, ये मोबाइल। मोबाइल? मोबाइल दिखाओ। किसका मोबाइल है, कहाँ से आया तुम्हारे पास? उमंग ने मुझे दिया था। उमंग ने दिया था? काजल,
सर उमंग को फोन लगा, उमंग का नंबर है इसमें, लगा फोन लगा। अगर उमंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसने तुम्हारी ये हालत क्यों की? उसे शक हो गया था कि मुझे उसके गलत कामों के बारे में पता चल चुका है। गलत काम? क्या क्या गलत काम? मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना था, वो कह रहा था कि वो दोनों सीआईडी वालों को मारकर देश से बाहर निकल जाएगा। मार डालेगा? सर मोबाइल तो बंद आ रहा है। फोन बंद है? इस उमंग के कार का नंबर मालूम है तुम्हें? BX30B349। फोन लगा, कंट्रोल रूम को फोन लगाओ, पता करो ये कार कहाँ पे है, जैसे ही पता चले हमें फौरन इन्फॉर्म करें। इस उमंग का पता चलना चाहिए, अगर जल्दी पता नहीं चला तो सचिन और विवेक की जान को खतरा हो सकता है। कुछ करो यार डॉक्टर सालू, कुछ करो यार। सब खुद को क्यों डांट रहे हैं? क्या करूं, नहीं डांटू तो तारिका, वहां हूं दोनों की बेचारों की जान खतरे में पड़ी हुई और यहां हम कोई सुराग ही नहीं ढूंढ पा रहे। हाँ सब, सर हमें लाशों को कई बार चेक कर चुके ना, अब हमें कोई सुराग मिल ही नहीं रहा है। फेफड़े चेक किए तुमने? हाँ सर मैंने फेफड़े चेक किए हैं, इनमें से मुझे बस वो केमिकल मिला जिससे इंसान को बेहोश किया जा सकता है। और कुछ? कुछ नहीं सर, सर मैं नाखून भी चेक कर चुकी हूँ, कुछ नहीं मिला। नाखून भी? बालों में तारिका, बालों में, यस। बाल चेक करो सालों के। तारिका, तारिका वो स्लाइड और स्कैल्पल लाओ। सर क्विक। तारिका चेक करो इसे, आखिर चीज क्या है? सर रोज तो चीटी में होता है, इस घड़ी में क्या कर रहा है? सर सर इस ब्लैक पाउडर का पता चल गया है, ये बोनचार है। बोनचार? यस। बोनचार? कब इस जिगर के बालों में बोनचार पर इस घड़ी में सक्रोस है? कोई ऐसा तो नहीं कि इन लाशों को चीनी की फैक्ट्री में रखा गया? सर तो फिर ये भी हो सकता है कि विवेक और सचिन को भी उसी चीनी की फैक्ट्री में रखा हो। यस। एक काम करो, तुम अभिजीत को फोन लगाओ फौरन। सर। अरे यार संपत, उन सीआईडी वालों को क्या करेंगे? करना क्या है, उड़ा देते हैं, काम खत्म। उड़ा देते हैं, काम खत्म, समझा नहीं? भाई जब तुमने इस काम के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा तो फिर सीआईडी क्या चीज है? मस्करी करता है। ए बिल्लो इधर आ, वो सीआईडी वालों है ना, खत्म कर दे जा। और हाँ सुन, काम थोड़ा होशियारी से होना चाहिए, चल जा।
वेरी गुड विवेक। कैसे आ गए? यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा सर, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? इस सबवे के आसपास यही एक शुगर फैक्ट्री है सर, काम करते हैं वहां, देखते हैं अंदर चलो। That's the car, 349, ये तो उमंग की कार है सर। सर ऐसा लगता है बैक्स्टर कार चोरी करके यहाँ लाते हैं, फिर उनके नंबर प्लेट और पेंट चेंज कर देते हैं। सर अगर कार यहाँ है तो उमंग भी आसपास ही होना चाहिए। अभी तो सचिन भी यही होंगे सर। हाँ, स्ट्रेट के अंदर तो नहीं? एक मिनट अभिजीत, एक साथ नहीं घुसते, अलग अलग घुसते। ड्रग्स तो सारा चक्कर ये है
कहाँ भाग रहा है? सॉरी सर, छोड़ दीजिए हमें, हम सॉरी, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। छोड़ दें? अभी तो तुम्हें ब्यूरो जाना है, ब्यूरो। सचिन, ले चलो इन लोगों का ब्यूरो। ये धनाधन बैक्स्टर कार क्यों चुरा रहे हो तुम लोग? क्योंकि सर वही एक ऐसी कार है जिसमें हम खुफिया अलमारी बना सकते हैं। क्या खुफिया अलमारी? हाँ सर, बैक्स्टर के बाएं दरवाजे की तरफ थोड़ी जगह खाली छोड़ी गई है जहां पर हम खुफिया अलमारी बना सकते हैं, और किसी बाहर वाले को इसका पता नहीं चलता। अच्छा, तो उन्हीं अलमारियों में तुम लोग ड्रग्स सप्लाई करते हो? हाँ सर। और इस काम के लिए तुम लोगों को कितने पैसे मिलते थे? 2 करोड़ रुपए एक डील के लिए। सिर्फ पैसों के लिए? न जाने कितने मासूम बच्चों को नशे की लत लगा के उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। ये बताओ कि जिगर को गोली कैसे लगी? वो बार बार जिद कर रहा था बैग खोलने के लिए, और फिर दरअसल उन लोगों को पता नहीं था कि जिस बैग को खुलवाने के लिए वो जिद कर रहे हैं उसमें बेहोश कर देने वाली गैस है। और फिर उसके बाद तुम उन्हें शुगर फैक्ट्री ले गए, वहां पे राहुल और रोहित का गला घोंट के तुमने मार दिया उन्हें। और फिर तुमने उन तीनों लाशों को ले जाके तालाब में फेंक दिया। हाँ सर, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग लाशों को तालाब से भी निकाल लेंगे। तालाब हो या पाताल, सीआईडी से कोई गुनाह छुपता नहीं है, समझे? देश छोड़ के भागने वाले थे ना तुम लोग, अब बहुत जल्द दुनिया ही छोड़ दोगे। फांसी का ऑर्डर आने दो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।